जो कोई ऐसी बात है जरूर केंद्र उसका संज्ञान दे भी रही है और लेना। ई टेंडरिंग को लेकर के क्या विवाद खत्म हो चुका? आज के दिन तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत ने भी, प्रत्येक ब्लॉक समिति ने भी और प्रत्येक जिला परिषद ने ई टेंडरिंग प्रणाली को अपनाया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब मैं MP था 5 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के मिलते थे, हमने तो कभी 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं दिया। आज 7 करोड़ डिस्क्रिशन में हमारे पास आते, हम तो 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं देते। ये तो अच्छा तरीका है कि जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की है जो प्रोसेस करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो ठेकेदार है उसके ऊपर एक्शन होता है। पंचायतों के अंदर ऐसा भी सामने आया था जहाँ पर जो ठेकेदार है वो काम करके भाग गया, पेमेंट लेके चला गया, काम रुक गया, और उसके बाद इंक्वायरी हुई तो सजा सरपंच को मिली क्योंकि अथॉरिटी वो थी, असलियत में तो अथॉरिटी ग्राम सचिव है। गड़बड़ी अधिकारी करे और उसके भुगताना सरपंचों को सहना पड़े वो भी जायज नहीं है, मगर हाँ जो पेस ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए गांव के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, स्पीडी काम होते हैं, उसकी मांग सुनते हुए सरकार ने 2 लाख से 5 लाख रुपए उनको पावर दी है कि जल्दी छोटे उचंती काम कराए जाए। अगर 2 से 4 महीने में, इसमें दिक्कत आती है कि अधिकतम काम लैप्स हो रहे हैं, फंड लैप्स हो रहे हैं, तो इस अमाउंट को बढ़ाने का भी विचार किया जा सकता है। पर मुझे लगता है आज अधिकतम सरपंचों ने तमाम जिला परिषद और ब्लॉक समिति इस प्रणाली को। सर जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव प्रचार की शुरुआत मान लीजिए, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है? सर शुरुआत तो चलती रहेगी, तो जिस दिन आपका चुनाव डिक्लेयर हो के नॉमिनेशन की डेट्स नहीं आएगी, ये सिलसिला तो जब तक जारी रहता है। और ये मेरे लेवल पर नहीं, निशांत सिंह जी के और BJP अध्यक्ष के लेवल पर चर्चा होगी। INLD भी अलायंस की बात कर रही है कांग्रेस के साथ, करवा दो ना। मैं तो सुन ही रहा हूँ। हम भी सुन रहे हैं जी। पद यात्रा को किस किस नजर से देखते हैं ये INLD की? भी मेरे को निशांत सिंह जी कल बता रहे थे कि पैदल तो कोई चल ही नहीं रहा। एक बार मैं तो चाहूंगा आप लोग भी कैमरा घुमा के आओ, अगर पद यात्रा है और वो गाड़ियों पे करी जा रही है तो फिर